हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है और पेपर हैकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीए फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर वन है उसके लेटर राइटिंग को कर रहे हैं, और हमने जो पिछला लेटर था वो नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखा था, और आज हमारा जो लेटर है वो अपने ज़िले के SSP को एक पत्र लिखते हुए अपने जो क्षेत्र या अपने जो टाउन मतलब कस्बे के असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में बताते हुए एक पत्र कैसे लिखेंगे उसके बारे में, तो देख लेते हैं। टू द SSP सांझापुर, सांझा मतलब यहाँ का भी SSP हूँ, मतलब आप जिस कस्बे में रहते हो उसका नाम। सर, आई एम द रेजिडेंस ऑफ सिविल लाइन्स, मैं सिविल लाइन्स का रहने वाला हूँ। सिंस लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से आई हैव बीन क्वाइट पैनिकली, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, एंड कॉन्कर्ड ओवर सम स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज, कुछ असामयिक घटनाएँ और जो एक्टिविटीज गतिविधि हैं सस्पिशियस डरावनी कुछ गतिविधि हैं उनसे भी क्या है कुछ पिछले हफ्तों से डरा हुआ हूँ। गोइंग ऑन नियर माई हाउस, मेरे जो घर के बराबर में होती रहती हैं एट नाइट रात में, परहैप्स शायद इट हैपन डेली, शायद ये डेली वो घटित होती हैं। डेड ड्यूरिंग नाइट्स, क्या है राति के समय शायद ये डेली घटित होती हैं। स्ट्रेंज बॉय नॉइस, अजनबियों की आवाज़, एज इफ जैसा कि यदि इफ पीपल टॉकिंग इन लो वॉइस, जैसा कि कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे हो। आर हियर मतलब सुनाई देती रहती हैं। ड्यूरिंग द डे, इन दिनों, लाइट ड्यूरिंग द डे लाइट ऑल्सो, डे दिन में, दिन की रोशनी में भी ये चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। दीज गुंडा एलिमेंट्स कीप ऑन रोमिंग इन द लोकलिटी, मतलब ये जो गुंडे गुंडों की जो एक्टिविटी है वो क्या है हमारे लोकलिटी मतलब एरिया में या क्षेत्र में दिखाई देती हैं। एंड दे आर मेकिंग गर्ल एंड वुमेन क्वाइट अनइजी टू कम आउट द ऑफ देयर होम्स, ये क्या है जो गुंडे की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है हमारे यहाँ पर कुछ महिलाओं और लड़कियों को क्या है घर से बाहर निकलने के लिए असाधारण स्थितियों को पैदा करती हैं। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, सम बर्गलर्स माइट बी प्लानिंग, मतलब कुछ जो गुंडे टाइप के लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं, वो योजना बना रहे हैं। समथिंग नेफरीसियस इन द एरिया, मतलब एरिया में कुछ अजीब घटना करने की प्लान बना रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं। वी हैव बीन स्लीपिंग हाफ फॉर अ वीक नाउ, मैं पिछले हफ्ते शायद ही आधे समय सोया हूँगा। आई अपील यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको अपील करता हूँ टू रेड द एरिया, हमारे जो क्षेत्र है उसमें रेड करें। एट अबाउट 2 AM सुबह के 2 बजे के टाइम, और अरेंज और क्या है व्यवस्था करें सम डिएक्टिव ऑन ड्यूटी फॉर ए फ्यू डेज, सम डेडिकेटिव ऑन ड्यूटी फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए हमारे क्षेत्र में क्या है किसी किसी पर्सन की क्या है ड्यूटी लगा दें, कोई जो आपके यहाँ पर जो आपकी क्या है एरिया में मतलब पर्सन हो यहाँ पर आपके जो स्टाफ है उसमें पर्सन की क्या है ड्यूटी लगा दें। वी शैल बी डीपली ऑब्लाइज, हम बहुत ही ज़्यादा आभार महसूस करेंगे टू यू फॉर द सेम, इसके लिए हम आपका बहुत ही ज़्यादा आभार महसूस करेंगे। होपिंग फॉर योर फेवर, आपकी फेवर की आशा में, योर ट्रूली आपका सच्चा, यहाँ क्या अपना नाम डाल देंगे सांग सिंगर की जगह अपना नाम, 32 सिविल लाइन्स जहाँ पर आप रहते हैं वो जगह, और क्या है नीचे कस्बे का नाम। तो ये क्या था हमारा, ये था अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने ज़िले के SSP को एक पत्र अपनी जो टाउन है अपने कस्बे में असामाजिक तत्वों को लेकर उसके बारे में एक पत्र। तो थैंक यू क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे जो चैनल पेपर हैकर है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।